हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की हिंदी की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेज हीरा कुशवाहा आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और आज का हमारा अध्याय एक है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, किसी भी भाषा को सीखते समय हमें सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला को सीखना पड़ता है। हम जब किसी भी भाषा को सीखते हैं, हम हिंदी सीखें, संस्कृत सीखें, उर्दू सीखें, कोई सी भी भाषा को जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की जो वर्णमाला है उसमें हम पढ़ेंगे स्वर अक्षर। आपने पिछली क्लासेस में यदि देखा होगा तो स्वर जो वर्णमाला में दो प्रकार के होते हैं ना, तो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर होते हैं आ से अह तक हम पढ़ते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, 11। ये सब मैं आपको आगे बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि स्वर अक्षर क्या होते हैं। तो स्वर वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, इनकी मात्राएं होती हैं। स्वर जो है वो बिना किसी दूसरे अक्षर के बनता है, ठीक है, उसका खुद ही का एक स्वरूप होता है और इसमें जो होती हैं वो मात्राएं होती हैं। आगे हम आपको मात्राओं का ज्ञान भी देंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं वो है आ से अह तक के स्वर अक्षर। अक्षर वर्णमाला में स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर होते हैं। आज की पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर अक्षर। तो यहाँ आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, उ ऊन का, रि ऋषि का, ए एड़ी का, अ ऐनक का, ओ ओकली का, औ औरत का, अम अंगूर का और अह दो बिंदु। मुझे आपको ये लिख के समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछली कक्षाओं में आपने इनको बहुत अच्छे से लिखना सीख लिया है और आज की आप पहली क्लास में आ गए हैं तो केवल इसको आपको क्या करना है, दोहराना है। तो आपको अभी मैंने ये सब पढ़ के सुना दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो। हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है स्वर अक्षर की। स्वर अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आ से अह तक होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो स्वर अक्षर आ से अह तक होते हैं। और व्यंजन अक्षर की यदि बात की जाए तो व्यंजन अक्षर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि व्यंजन अक्षर का कलम से लेकर ज्ञानी तक के होते हैं और उनकी संख्या होती है 33। जो स्वर अक्षर होते हैं उनकी संख्या होती है 11 और जो व्यंजन अक्षर होते हैं उनकी संख्या होती है 33। तो और चार होते हैं उसमें संयुक्ताक्षर। तो ये संयुक्ताक्षर हैं वो आपको व्यंजन अक्षर में मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसमें जो व्यंजन संयुक्ताक्षर होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा है, तो ये देखा है कि स्वर अक्षर कौन से होते हैं, तो स्वर अक्षर आ से लेकर अह तक के होते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनको लिखना है, ठीक है। आप इसको लिखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।